बिजली तक किन्ना तो सरकार देने तुम पता ठगी मारी आई अगर कार्रवाई होंगी गाड़ी के अंदर पेट्रोल था 5 लीटर पहले जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलाया 40 लीटर की टैंकी है इन्होंने 43 लीटर डाल दिया 43 लीटर डालने के बाद ये आपकी गलती कबूल नहीं कर रहे थे इन्होंने बुला के मिस्त्री को मैकेनिक को बुला के उसका पेट्रोल निकलवाया उसके अंदर 42 लीटर निकला जो कि पहले 5 लीटर था अब उसके बाद में प्रशासन आ गया या जबरदस्ती कर रहे हैं अब 51,000 रुपये गुरुद्वारे में रसीद कटाई है। राम राम साहब मैं प्रशांत और थे देख रहा हो झलको हनुमानगढ़। तो अभी अपा हनुमानगढ़ और टाउन के बीच में एक पेट्रोल पंप है भारतीय पेट्रोल पंप अटे खड़े हाँ और देखने ला रहे हैं कि हर सामने ला रहा बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी है भीड़ को कारण है कि एक कार में है अल्टो केटन कार है तो अठे एक व्यक्ति हो जो को तेल गलवाना हो तो तेल जो वहाँ गलो है बिंग वहाँ कमी आई है मतलब पेट्रोल पंप जो ड्राइवर है या जो मालिक है कार को वो इल्ज़ाम लगाने ला रहा है पेट्रोल पंप का मालिक पर कि हाँ तेल कम गलो है तो अभी आप देखांगा और पेट्रोल पंप का मालिक बात करांगा ड्राइवर जो कार का मालिक बाद में बात करांगा कि कितों कम गालियो है या कौन गालियो क्योंकि गलती है क्या गलती है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। विजुअल थे देखने आ रहे हो पेट्रोल की जक्की है कंप्लीट तरीकों रिजल्ट आ चुके हैं माप हो चुकी है पेट्रोल पंप का जका मालिक है बांगो दावो हो कि मैं पूरा पेट्रोल गालियो है जबकि कार मालिक को दावो कि हाँ पेट्रोल है जो कम गालियो 43.5 लीटर तेल जो इंगमा गालन की बात कही गई ही जबकि मालिक के ला रहे 35 लीटर की टंकी है और 5 लीटर जो स्टॉक अंदर रखा है तो इंगमा 43.5 लीटर तेल किया आसके तो अभी जका रिजल्ट निकल के सामने आने ला रहा है 42.5 लीटर तेल जो टंकी में अभी मौजूद है जो निकाले गए है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निकाले गए है 42.5 लीटर तेल हो टंकी में तेल है या नहीं वो देखने में कितना निकले तेल कितना निकले 42 निकला है डलवाया कितो 43 डलवाया 5 लीटर अंदर सी 5 लीटर पहला भी अंदर हो है 5 लीटर तक कट कट रखू गड्डी 3 लीटर तक गड्डी हूँ भी हैगा तेल इस टाइम हैगा क्योंकि मोटर तेल 3 लीटर तेल चकदी नहीं गी तेल पूरा है पूरा कोई नहीं कट्टा है तेल जिहड़ा पवाया उस तो भी कट्टा है तेल ता डलवाया भी नहीं उस तो कट्टा है चल के भी आए होगे ते जिहड़ा साडा पवाया 5 लीटर कितना केड़ा मारे चलाण डलवाण के बाद जंक्शन जाके ते वापस ही आए वापस आयो तने के लगा गड़बड़ी हुई है तेल में बिल्कुल होई सर सामान ना पाया इन्होंने कहया सी संतुष्टि करावे हुन मान नहीं रहे हुन कहंदे पेट्रोल उड़ चुका है कहंदे पेट्रोल उड़ गयो 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल उड़ गयो उड़ गया कहंदे भाई साहब गाड़ी थारी है हां जी हां जी गाड़ी किसी है अल्टो केटन कठुआ आयो थे मुगला वाली तेल कितना गलवायो 4867 रुपये 4867 रुपये कितना निकले कितना लीटर आयो 43.21 अब कितना निकले तेल इसमें 42 अच्छा तो पूरी पर जो अभी बिल्कुल खाली है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी पहले इसमें था भी अभी पूर्ण रूप जो थे मानो कपलो है गाड़ी में तेल में हाँ जी बिल्कुल 8 लीटर कम है तेल हाँ जी कम से कम 7-8 लीटर है खाना अंदर ले गया क्या खतर ले गया वो कह रहे हैं कि बात कर लो सलटा लेते अपने से कह रहे हैं अभी ठेके कार्रवाई करने आ गए अभी कार्रवाई तो अरे अभी इतनी गाड़ियाँ खड़ी है देखो पहले तो ये है कि इनकी एक बार बंद करके और इसको मशीन चेक होनी चाहिए मशीन तो चेक हो ही गई है पता ही अब तो पता चल ही रहा है अभी इन्होंने उससे नापा है हो सकता है इनके नाप में भी फर्क हो तो नाप में भी लगा गड़बड़ है हो सकता है तो कितने बजे का थेटा आया होटल गलवाने 4:30 बजे आया था लगभग 9 बज गया 4-5 घंटा यही खड़ा हूँ मैं फैमिली से आया थे हाँ जी फैमिली को बिठा के आया हूँ घर पे सतीपुरा के पास अच्छा तो आगे जाना है अभी मेरे को 30 किलोमीटर तेल गलवाने के बाद में कितने किलोमीटर गाड़ी चला ली थी तेल गलाने के बाद में लगभग ये 13-14 किलोमीटर चलाई होगी जितना भी हो तेल की टंकी जो मान लो कंपनियाँ कितनी क्लेम करें कितना तेल आ जाएगा वहाँ पे कंपनी वाले कह रहे हैं 35 डलता है इसमें बाकी ये इसके अंदर रखती है जो 5-7 लीटर वो ही है अभी टोटल 42 लीटर निकल रहे थे 42.5 हाँ 42 के अनुसार 1 लीटर तो भी कम है हाँ और जो तेल हो वो भी कम है हाँ जी और की बढ़ गया वो तो आई फिर नहीं वो बढ़ गया तो वो तो उन्होंने डाल लिया था वापस ठीक है जी वो डाल दिया वापस जी जी वो नहीं है वो जो अंदर था और जो 1.5 लीटर कितना माना कि तेल कम घपलो है लगभग 6-7 लीटर मान के चलो 6-7 लीटर मशीन में हुई है हो सकता है खाने क्या ध्यान लगे चीज को हाँ जी अभी नापा है ना सर आपके पहले क्या ध्यान लगे तेल गलवाइए
तो 43.5 लीटर डल ही नहीं सकता ना। अच्छा यही ध्यान लग रहा है। हाँ जी 43.5 लीटर टैंकी में आएगा ही नहीं। हमारे को ना कोई सीज करने का पावर है ना हमारे को नापने का पावर है। हम तो ये आप बीट करने के बगैर मतलब या तो आप कोई कार्रवाई इनके गाड़ी को छुट्टी करना है या कोई बैंडो वाले बुलाना है कोई समझिए सर बोलो फिर 300 साहब को सीज करना है वो कर लो। ऐसे बीट का बदल क्या है इसमें तो कोई 5 आदमी अपने नियुक्त है नहीं बस में सारे रात या तो आगे 5 आदमी नियुक्त करो अपने 5 आदमी बिठाओ अंदर। राठौड़ साहब नियुक्त करो राठौड़ साहब मेरे पास आओ अंदर सब तो महंगा पेट्रोल डीजल दिंदी है। और तो बाद हनुमानगढ़ से ठगी ठोरी की तीजी घटना पहले सारिया पेट्रोल पंप फिर GM पेट्रोल पंप अज आ नाम ही नहीं मिला। लगातार प्रशासन की नाकामी है। इसके बाद में हम खड़े होके भागेंगे नहीं खड़े होके जाएंगे नहीं समझौता नहीं होगा। ये लास्ट बार है अगली बार पेट्रोल पंप पर हमें मरना पड़े लड़ना पड़े ये घटना बार बार होती है। 20 पेट्रोल पंप आए थे हनुमानगढ़ से और सारे से ठगी चल रही है 113 रुपये लेके भी और साहब ये बर्दाश्त नहीं होना। पेट्रोल पंप तो फड़ेंगे बाद से प्रशासन ना करेंगे अगली बारी खाता और सरकार ना भी करेंगे। राजस्थान सरकार को चितौना चाहना बिजली जिनी महंगी करनी सी करती पेट्रोल डीजल जिन्ना महंगा करना सी करता। ये इंतहा होगी साढ़े मरण का इंतजार कर रहे हैं असी सरकार ही मार देवे एवें का टाइम ना आए भी जड़ा गांह तो प्रशासन एक कमी दोबारा सानू विखी साफ गलती हो जूगी। और दो बार बख्शते तीसरी बार आज हमारा कुछ भी इसमें समझ लो लेकिन ये तीसरी बार भाई सलटा रहे हैं सलटाने वाला मैटर नहीं है। कारण क्या भी एक बंदा तो 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाला है 100 का डलवाने वाला वो की हो रही है रोटी खाने तंगा आ हाल है साडा साहब जी। ऐसे कैमरे सामने कहोगे भी हनुमानगढ़ से आइंदा बाद एक कम नहीं होगा और तुसी यदि जिम्मेवारी लोगे ये तो मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास इतना पावर भी नहीं है मैं जिम्मेवारी ले दूँ। आप कार्रवाई करने का बोलो भाई साहब से नहीं हम तो थाने से हैं ये हमारे पास पावर नहीं है आप प्रशासन है जी साडा भाई साहब बिल्कुल ले मैं फिर मैं गल सुन लो मैंने पेट्रोल पंप वाले ने कोई रोला नहीं मेरा है सरकार ने रोला। और मैं मेरी गल सुनो जी मैं अभी कह रहा हूँ मेरा पेट्रोल पंप वालों से कोई रोला नहीं है कोई ठगी करूंगा तो आपकी भुगतूगा लेकिन मेरा प्रशासन आज इन सरकार ने ऐसे काम लिए नियुक्त किया और कहते भी साड़ी जिम्मेवारी नहीं था भाई साहब फिर कोई समझौता को नहीं है 51,000 छोटा पर मर्जी का पावर से कार्ड 100 हो सकती है हमारी भी मान लो अगर आप ये हल्लाजोड़ी ना करते पहले रिक्वेस्ट कर लेते भौजी जो हो गया उसकी जो हो गया उसकी जो अगर ये पहले कर ले मंदिर में दे दो बार बार फैसला नहीं होगा जी करना तो करो नहीं करना तो मत करो बस जी हाँ जाना बता दो बस हाँ तो कोई बात नहीं साहब कोई बात नहीं कोई बात नहीं बात खत्म है फिर फाइनल है भाई आज एक आल्टो गाड़ी वाले ने हमारे पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाई थी जिसमें उसके लगभग 43 लीटर के आसपास तेल आ गया था। उस गाड़ी वाले ने हमें कहा कि भाई उसकी गाड़ी की जो फ्यूल टैंक है वो 35 लीटर का है तो उसमें इतनी कैपेसिटी का तेल कैसे आ सकता है। हमने उसे निवेदन किया भाई हम जो है आपको अपने पेट्रोल पंप के पैमाने जो नाप होता है वो चेक करा देते हैं तो उससे भी अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो हम उनकी टंकी से तेल निकाल के नपवा देते हैं। काफ़ी देर तक ये वार्ता चलती रही सोच विचार चलता रहा उसके बाद उन्होंने
हम ही भरी भाई अपनी गाड़ी की टैंक की कैपेसिटी चेक करवाने की, जिसके बाद ये लोकल मिस्त्री को बुला करके हमने गाड़ी की टैंकी से तेल निकलवाया, जिसके अंदर लगभग 42 लीटर तेल टैंक से निकला था उनकी गाड़ी के। उसके बाद में जब उस गाड़ी की टैंकी को वापस भरा गया तो उसमें 42.5 लीटर तेल वापस हमारी मशीन द्वारा डाला गया था। 42.5 के आसपास लगभग तेल हमने उनसे निकाला और 42.5 ही डाला था। तो ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया गया था भी हमारी बदनामी के लिए भाई, एक जिस जो व्यक्ति था जिसकी गाड़ी थी उसने तो कुछ किया नहीं। अभी आप भारत माता चौंक कहना पेट्रोल पंप है टाउन बैठे खड़े हाँ अठे, अभी थोड़ी देर पहले थे विजुअल देखने ला रहे हो पेट्रोल की गड़बड़ी ले गए कि बातचीत अंदर भी चलना आ रही थाने लाइव दिखाने ला रहे हमने तस्वीर। तो अभी आगो दोनों पक्ष जो को राजीनामा हो चुके हैं और अभी तक जो चैनल ने थे सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और पास जरा बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि कोई भी देसी अंदाज में नई खबर आवे तो जल्द जल्द थर्च कहना पहुँच जाए। तो माना इजाज़त दो, मिला नई वीडियो से आ गए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।